तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ चंदन, आपको स्वागत करता हूँ न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले एक अमेजिंग एसी। तो दोस्तों, इस अमेजिंग एसी को आप घर पे बना सकते हो और आप कहीं भी लेकर जा सकते हो। और ये छोटा होने के कारण और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा देता है, और इतनी ज़्यादा गर्मी में आपको बहुत ही ठंडी हवा पाने के लिए आप इस एसी को घर पे बना सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे ऑल पर सेट कर लेना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक अमेजिंग एसी। तो दोस्तों, इस अमेजिंग एसी को बनाने से पहले हम इस तरीके के एक छोटे सा कार्डबोर्ड को ले लेंगे, और आप देख सकते हो इस तरीके के बॉक्स के अकॉर्डिंग हमें आगे ही इस तरीके से कटिंग कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने एसी की शेप में इसको कटिंग कर दिया हूँ, और इसके आगे वाले हिस्से को हम साइड में रख देते हैं, इसमें हमारा काम आएगा। और आप देख सकते हो हमारा फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आ रहा है, यहाँ पर हमारा बहुत ही एसी होगा। तो दोस्तों, हम यूज़ करेंगे इस तरीके के एक 12 वोल्ट का एक सीबू फैन। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सा हीट सिंक लगा हुआ है, और इस हीट सिंक की वजह से आपका रूम को बहुत ही ज़्यादा ठंडी कर देगा। तो दोस्तों, हम इस सीबू फैन को रख के मार्क कर लेंगे और इसमें कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, मार्क करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कटिंग हो चुका है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग हुआ है और अच्छे से फिट हो रहा है। तो दोस्तों, चले इस सीपी फैन को लगा के देखते हैं ये फिटिंग हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, अब देख सकते हो हमारा सीपी फैन अच्छे से फिट हो रहा है और बहुत ही शानदार दिख रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा अमेजिंग एसी। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस तरीके के स्क्रू को, चले पहले खोल लेते हैं और इसको स्क्रू को साइड में रख देते हैं, और सीपीयू फैन को चले इसके अंदर में लगा कर हम इसके स्क्रू को कहाँ कहाँ पर स्क्रू लगाना है इसमें मार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक पेन को लेंगे और इसमें छोटे छोटे मार्क कर लेंगे। और वायर का कनेक्शन बहुत ही इजी। तो दोस्तों, आप एक फैन का वायर और एक स्विच का वायर को आप अच्छे से कनेक्ट कर देना है, और एक फैन का वायर और स्विच के वायर को ऐसे छोड़ देना है। तो दोस्तों, हमारा प्लस और माइनस वायर को आप देख सकते हो, ये रेड कलर का वायर हमारा प्लस है और ब्लू कलर का वायर हमारा माइनस है। ये हमारा लिथियम चार्जिंग मॉड्यूल। तो दोस्तों, इस चार्जिंग मॉड्यूल से आप लिथियम बैटरी को चार्ज कर सकते हो, और ये 12 से 13 घंटे अच्छे से बैकअप दे देगा और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा देगा। यहाँ पर देख सकते हो कनेक्शन बहुत ही इजी। तो दोस्तों, ये एक 3.7 वोल्ट का एक लिथियम बैटरी। तो दोस्तों, इस लिथियम बैटरी बहुत ही अच्छा ये बैटरी है। तो दोस्तों, बैटरी का कनेक्शन बहुत ही इजी। तो दोस्तों, इस लिथियम चार्जिंग मॉड्यूल में बहुत लिखा हुआ है, तो दोस्तों आप देखकर अच्छे से सोल्डरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लिथियम आयन बैटरी को अच्छे से सोल्डरिंग कर लेते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर एक होल है, छोटा सा होल में हम यहाँ पर दोस्तों हम वायर को अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कनेक्शन बहुत ईजी। तो दोस्तों, इसका चारों ओर कवर को हम स्टेपलर से अच्छे से टाइट कर देंगे। यहाँ पर ऊपर वाला जो साइड है, हम स्टेपलर से अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने पहले से जो कटिंग करके रखा था आगे वाला हिस्सा, इसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे, और कैंची की मदद से हमें इसे कटिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, इसे आगे हम ये लगाएंगे। तो दोस्तों, आगे लगाने के लिए इस तरीके के कॉपर का छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लेंगे और उसे आगे हमें लगा देंगे। यहाँ पर हमें आगे लगाने के बाद हमें मिलता है इस तरीके के 5 वोल्ट का चार्जर। तो दोस्तों, इस 5 वोल्ट का चार्जर से आप इस बैटरी को अच्छे से चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, फुल्ली चार्ज होने के बाद आपका ये ब्लू कलर का जल जाएगा। तो दोस्तों, अभी चार्ज हो रहे के लिए ये रेड कलर का जल रहा है। यहाँ पर हमारा चार्जिंग हो गया। दोस्तों, स्विच को ऑन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो सीपीयू फैन अच्छे से घूम रहा है, और आगे ही ठंडी ठंडी हवा फेंक रहा है, और बहुत ही शानदार है ये एक मिनी
अमेजिंग फैन। तो दोस्तों ये है मिनी अमेजिंग एसी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एसी है और रूम को आपको एक घंटे में रूम को अच्छे से ठंडी कर देगा। और देख सकते हो तो इसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है और इस कागज़ का टुकड़ों को भी अब अच्छे से फैला दे रहा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एसी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना और आगे ही कैसा गैजेट बनाना है मुझे कमेंट में बताना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।